और ये जो केएस म्यूजिक है हमारे आदरणीय देवेंद्र भैया की तत्वाधान में पूरे बुंदेलखंड में आप कीर्तन को यूट्यूब पर डालकर दुनिया में कीर्तन का प्रचार कर रहे हैं। देवेंद्र भैया को भी मैं हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूं। और एक और कलाकार हमें दिख रहे हैं हसमुख जी, उनका भी मैं वंदन कर रहा हूं। और परशुराम के फरसे के साथ क्योंकि धनुष भंग हो गया है तो निश्चित रूप से जब उनकी नजर पड़ेगी शिव दोही ममदास कहावे शुरुआत करेंगे। आदरणीय दादा माता दीन जी, तालियों में कोई कमी नहीं करना, बस एक ही निवेदन है पूरी रात की, कलाकारों को सबसे बड़ी उत्साह वर्धन के लिए ताली से अच्छा कोई नहीं होता है। दुनिया में हर किसी को कोई ना कोई गम होता है, ताली वही बजाते हैं जिनकी बाजुओं में दम होता है। ठोको ताली भाई, आज बाजू दिखा दीजिए आप। कार्यक्रम का शुभारंभ हो उसके पहले हमारी कुछ वैदिक परंपराएं हैं। यह कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो इसके लिए सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी का आह्वान कर रहा हूं। क्योंकि संगीत और साहित्य का कार्यक्रम है, मां सरस्वती का आह्वान कर रहा हूं। समक्ष में विराजमान परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव जी के चरणों में नमन करता हूं। आदि कीर्तनकार अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी का भी आवाहन कर रहा हूं। क्योंकि वैसे तो जहां पर भी हरि स्मरण होता है, हरि चर्चा होती है, हरि कीर्तन होता है, बाबा बजरंग बली स्वतः पधार जाते हैं। फिर वो तो यहाँ इस पावन भूमि में है ही, उनका भी मैं आह्वान कर रहा हूँ। साथ ही सभी 33 कोटि देवताओं का आह्वान करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहा हूँ। प्रथम पक्ष प्रस्तुत करने के लिए मुझे आदेशित किया गया है, यह मेरा परम सौभाग्य है। उपस्थित सभी भक्तजनों का, कीर्तन प्रेमियों का, माताओं बहनों का और यहाँ पर विशिष्ट लोग जो आए हुए हैं, विशिष्ट अतिथि लोग, उन सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। रमेश साउंड सर्विस बेहतरीन साउंड सर्विस है, केएस म्यूजिक जो फिरोजाबाद से पधारे हैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम में लक्ष्मण जी का पक्ष लेकर के एक प्रतियोगी की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं मेरे छोटे भाई श्री लालचंद दीक्षित जी का हृदय से स्वागत है, उनके सभी साथियों का स्वागत है। मंचासीन सभी अतिथियों का मैं स्वागत कर रहा हूं और इस कार्यक्रम की बागडोर जिनके हाथ में है, मंच संचालक कुंवर राजू राजा, आपका भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माताओं बहनों के चरणों में नमन करता हूं। लीजिए कार्यक्रम में विलंब ना हो, बहुत बड़ी उम्मीद लेकर के आप आए हैं। हालांकि मैं अपनी बात तो कर ही रहा हूं लेकिन मैं दोनों कलाकारों की बात कर रहा हूं कि जितनी बड़ी उम्मीद लेकर के आए हैं आप लोग, उतने बड़े कलाकार हैं नहीं हम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज हम दोनों कलाकार बन जाएंगे क्योंकि श्रोता बहुत अच्छे हैं। कलाकार हम लोग हैं नहीं लेकिन आप लोगों की आ, 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 आ,
संघाना वरदाना मल्थि संघाना रसानाम चंदिशामती मंगलानाम चाकरतारो वंदे वाणी विनायक भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपण याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्वांता समीकर हरिओम 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 रूपेण शक्ति रूपेण दया रूपेण क्षमा रूपेण विद्या रूपेण ममता रूपेण लक्ष्मी रूपेण कृपा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः हरिओम 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 करता है कर जो हरिओम 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 प्रेम से बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की जय प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय प्रेम से बोलिए राधा माधव सरकार की जय प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय प्रेम से बोलिए गौ माता की जय प्रेम से बोलिए भारत माता की जय प्रेम से बोलिए बजरंग बली की जय ये टीवी
अवेलेबल है उसको लेवल पर लाया जाए, मेरा अनुरोध है। पंडित श्री मैयादीन तिवारी जी के चिरंजीव मंच पर विराजमान है, श्री देवेंद्र तिवारी उर्फ पप्पू भैया, उनका भी मैं सम्मान करता हूं। और मुझे बड़ा गर्व है कि वो बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष हैं, और जब से उन्होंने ये पद संभाला है तब से कीर्तन बुंदेलखंड में बहुत आगे बढ़ गया है। लीजिए बंदन गीत सबसे पहले पढ़ रहा हूं और उसके बाद विषय का गीत मेरी ओर से होगा। आइए, निवेदन यह है वंदन गीत में कि यह कार्यक्रम केवल माता जी विश्वकर्मा करने नहीं आया है या पंडित श्री लालचंद दीक्षित जी करने नहीं आए हैं, ये कार्यक्रम सभी का है, ये कार्यक्रम सभी का है। और ऐसी पावन भूमि में यह कार्यक्रम हो रहा है कि मुझे लगता है कि सभी लोग तन्मयता से, तल्लीनता से, मन से कार्यक्रम को सुनेंगे। और जहां कहीं पर भी आप लोगों को थोड़ा सा और मैन माइक की आवाज बढ़ा दें, बहुत बढ़िया बोल रहा है, लेकिन ये बात क्या बात है। निवेदन करता है माँ सरस्वती से, हे माता रानी, ए हो ब्रह्मवाणी, ए हो ब्रह्मवाणी बेज बाणी सुखदानी अम्बु, बाणी में विवेक को विकास भर दीजिए, और धार के सितार दास ही में पधार बेद, ज्योति को जगा मग प्रकाश कर दीजिए, भाषे हरि हर सुवास कर दीजिए, अरे बंदना करूं तो बंदना हो लेखनी की चाल, सुछंदन आनंद रस रास भर दीजिए। हे माता रानी, आज की रात्रि आज ऐसी कृपा कर दीजिए कि जो भी छंद लिखे जाएं, छंदन आनंद मजा नहीं, आनंद मजा थोड़ी देर का होता है, और जब आनंद आ जाता है तो आदमी फिर परमानंद की ओर पहुंचता है। इसलिए छंदन आनंद रस रास भर दीजिए, बस इतनी कृपा कर दीजिए माता रानी, तो हम लोग आज की रात्रि कलाकार बन जाएंगे। भक्त निवेदन करता है, हे माता, हे मात बिना पानी, हे मात बिना पानी, बंधन के गीत गाएं,
पानी बंधन के गीत गाए। आखिर ऐसा क्यों है? भक्ति की भावना देखिएगा के बरदायिनी हो मैया, क्या बात है, क्या बात है सुरेश भाई। ये वरदा हरती हो दुख सभी के, हरती हो दुख सभी के तो सुखदा। होती है माँ तुम्हीं से सब पूर्ण कामनाएं, होती है माँ तुम्हीं से सब पूर्ण कामनाएं। स्वर दो बंधन के गीत गाए। हे मात बीरा पानी बंधन के गीत गाए, हे मात बीरा पानी बंधन के गीत गाए। हे माता रानी आराध तुम हो मैया, आराध तुम हो मैया और आराधना तुम ही हो। साधन नहीं है कुछ भी, साधन नहीं है कुछ भी तो मेरी कुछ भी नहीं है मां, केवल आपका दिया हुआ प्रसाद जो कविता की कलियों के रूप में है आपके ही चरणों में समर्पित करता हूं। अभी महाराज जी आए मंच पर, गुरुदेव बोले हम स्वागत करेंगे आप लोगों का। हमने कहा ये तो महाराज जी उल्टी गंगा बहेगी, फूल माला हमारे पास थी वो हमारी नहीं थी, हम दोनों के पास थी, महाराज जी की ही फूलमाला थी। तो हमने कहा महाराज जी से निवेदन किया गुरुदेव से कि महाराज ऐसा हमने सुना है गाया है कि आपका ही आपको समर्पित करना चाहते, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो महाराज जी ने स्वीकार किया, हमें आशीर्वाद मिला, हम परम सौभाग्यशाली हैं। मैं केवल ये मंच पर सिर्फ फॉर्मेलिटीज के बतौर नहीं बोल रहा हूं, मैं अंतर आत्मा से कह रहा हूं कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि महाराज जी के दर्शन हो, लेकिन सोच रहा था उसके लिए कोई क्रियाकलाप नहीं कर रहा था, लेकिन मेरी अंतर आत्मा की आवाज महाराज जी के पास तक पहुंची और उन्होंने हमको बुला लिया। सोचिए कितनी बड़ी कृपा है। तो बस इतना कहना चाहता हूं साधन नहीं है कुछ भी तो मेरी आराध।
साधना तुम ही हो, साधन नहीं है कुछ भी, ओ मेरी साधना तुम ही हो। तो शब्दों के सुमन लाकर, वही पुष्पमाला की बात कर रहा हूं, के शब्दों के सुमन लाकर चरणों में हम चढ़ाए, स्वर दो की वंदना से अर्गूंजे दसो दिशाए, हे मात पीड़ा पानी बंदन गीत की आखिरी पंक्तियां हैं। यूं तो पूरी रात्रि वंदन गीत होता रहेगा, कहीं ना कहीं प्रभु का नाम आएगा, लेकिन माँ सरस्वती वंदना में क्योंकि अब रात भर यही तो होना है, अंतिम पंक्तियों में भावना देखिए, भाव देखिए भक्त का क्या है, कि मेरी मात धवल वसना सुरेश की भावना समझी होगी आपने, जब उसने धूसा बजाया था तब आप लोगों ने तालियां बजाई तो सुरेश समझ गया कि ये तालियां मेरे लिए बज रही हैं, तो गैर बदल दिया, फिर चाटी बजा दी उसने। ये देखिए वो उसको दिखाई नहीं देता है, फिर भी वो आपकी भावनाएं समझ रहा है। एक बार दर्शन करने, जैसे यहाँ गए दर्शन करने अभी बागेश्वर धाम, ऐसी एक जगह और हम लोग गए थे, तो हमने सुरेश से कहा तुम गाड़ी में बैठो, तुमको क्या करना है दर्शन, तुमको तो दिखाई नहीं देता, तुम क्या करोगे वहां मंदिर में जाके। अरे बोले दादा मैं भी चलूंगा। हमने कहा यार बैठो तुम, एक एक आदमी तुम्हारे लिए लगेगा। बोले नहीं मुझे चलना है। हमने कहा क्यों? बोले दादा मैं भले ही ना देख पाऊंगा भगवान को, लेकिन भगवान तो मुझे देख लेंगे। सोचिए ये भावना। तो सुरेश भाई बहुत बढ़िया, आखिरी पंक्तियां सुनिएगा, क्योंकि यहां साहित्यकार कीर्तनकार कीर्तन प्रेमी बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, आखिरी पंक्तियों में भक्त का भाव क्या है ये देखिएगा। के मेरी मात धवल वसना, अंतर में मेरे वसना, मेरी मात धवल वसना, अंतर में मेरे वसना, ये लाल जलज तेरा, ये लाल जलज तेरा, अरे हो पाए माँ भी वसना, समर्पित कर रहा हूं कि सिर्फ इतना कर दिए क्या, के रसिना हो सरस मेरी, सरस माने मीठी, रसना माने जुबान, रसिना हो सरस मेरी, तो रस धार मां बहा दो, रसिना हो सरस मेरी, रस धार माँ बहाए, स्वर को की वंदना से हर गूंजे दसो दिशाए, हे मात पीड़ा पानी बंधन we
मैं इस पावन धाम के मिट्टी को अंतिम श्वास तक अपने मस्तक पर चंदन समझ के धारण करने की प्रार्थना बागेश्वर धाम से प्रार्थना रूप में लगा रहा हूं, अर्जी लगा रहा हूं कि मिट्टी इस पावन धाम में उपस्थित सभी भक्तों का, सभी माताओं मातृ शक्तियों का स्वागत करते हुए महाराज श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं और उनसे ये प्रार्थना करता हूं कि आज मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि यहां जो लोग हमसे अपेक्षाएं लेकर आए हैं वो इस धाम की प्रतिष्ठा के अनुरूप यहां से निराशा लेकर ना लौटें, बस इस आशीर्वाद की कामना कर रहा हूं। औपचारिकताएं, यहां उपस्थित हमारे जो भी कीर्तनकार बंधु हैं, अतिथि बंधु हैं, चाहे वो आदरणीय हमारे नाम की श्रृंखला शुरू करेंगे तो समय लग जाएगा, इसलिए मैं किसी एक का भी नाम नहीं ले रहा हूं। यहां जो भी उपस्थित हैं सभी को प्रणाम कर रहा हूं। सब जग जानी करहुं प्रणाम जोर जुगपानी। भगवान परशुराम जी, पैंट वाले परशुराम जी का भी अपनी ओर से अभिनंदन कर रहा हूं। उनसे आशीर्वाद की कामना कर रहा हूं। जो भी बुजुर्ग यहां बैठे हैं सभी को प्रणाम करता हूं, सभी से आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं। आइएगा, माता रानी के दरबार में चल रहे हैं। जय जय। शिवरे 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 ज्यादा ना लेते हुए केवल आर्य संस्कृति का निर्वाह करते हुए चंद्र श्लोकों में ही 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान कर रहा हूं। ओम सुमुखस्य दंतस्य कपिलो गज कर्ण का लंबोदर विकटो विघ्न नाशो विनायक धूम्र केतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशे तानि नामानि या पठम शृणुयादपि। ओ हरि ओम हरि ओम
जिन्होंने इस मंच में बैठने का बोलने का ज्ञान दिया, उनके श्री चरणों में नमन करते हुए ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरापदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा या वीणा वरदंड मंडित कराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भीर देवी सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जड्या जय मां जय मां जय मां जय जय मां जय जय मां जय मां जय मां जय मां मनोज मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरजूत मुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपादये हरियो बस इसी के साथ ही निवेदन करता हूं कि अगर टेबल की व्यवस्था हो ये किसी माइक वाले को कहना मतलब तो बढ़ा दीजिए, हम शिवहरी जी से निवेदन करते कि हमारे हारमोनियम को थोड़ा सा घटा दीजिए, मेन को चाहे तो थोड़ा बढ़ा ले इसके बदले में, बस बड़ी विडंबना होती है ऐसी जब किसी बड़ी विद्वान समाज के सामने गाने किसी अज्ञानी का नंबर आ जाता है। पटेरिया जी का स्वागत करता हूं जी। बच्चा चाहे जितने संकट में हो लेकिन जब मां की शरण में जाता है तो उसे हर संकट से जूझने का कोई ना कोई समाधान मिल जाता है। तो माता रानी मैं निवेदन करता हूं कि यहां जितने भी मिथिलावासी बैठे हैं ये प्रतीक्षा कम कर पा रहे हैं कि कब लक्ष्मण जी जाकर के बाबा परशुराम जी से लिपट जाएं।
चरणों से सत्वा। तो माता रानी थोड़ा जल्दी करिएगा आप। क्या बात। जगत जननी ज्वाला जगदम्बा जरा जल्दी आ। जग के जालिमों के जुर्म जड़ से जला दो माँ। जननी की जय हो जहां जुल्मी वहां जन्मे ना। अगर जन्म ले लिया तो उनको जगह जगह जालिमों को जाल सा बिछा दो माँ। बच के ना जा पाए लेकिन जो है अनजान। कुछ मेरे जैसे भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल। क्या बात। बहुत बढ़िया। जो है अनजान जुगती जीने की जाने ना। उन जग के जीवों को जुगती जीने की जना दो माँ। लाल चंद्र जड़ है जिए जी की जिज्ञासा में। क्या बात है। तो इस जिज्ञासु के जीवन में दिव्य ज्योति जगमगा दो। बहुत सुंदर सा कार्यक्रम सुन रहे थे आप आदरणीय मेरे बड़े भाई। अभी बाबा परशुराम नहीं, मेरे बड़े भाई जी दादा विश्वकर्मा जी के द्वारा। सुंदर सा गीत सुना है। मैं वंदन के लिए आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूं कि 5 मिनट में वंदना कर दूंगा, बस आप मेरी वंदना में मेरी तरफ से सम्मिलित हो जाइएगा। क्या बात। सौभाग्य हमारा कि हम ऐसी धरती में जन्म लिए हैं। प्रभु ने बड़ी कृपा की है। वाह। कहीं पाकिस्तान में पैदा हो जाते तो फिर जयराम जी की से दूर हो जाते। बिल्कुल। फिर वहां जयराम जी की हो जाती। लेकिन कि ये वो धरती जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। गर्व है कि वह भारत देश है मेरा। भारत देश है कि वह भारत देश है मेरा।
लेकिन कहीं संकोच भी है। क्या संकोच है? क्या जब लोगों ने ये कहा बड़े से बड़े घड़े में अगर एक छेद कर दिया जाए तो उसमें एक बूंद पानी नहीं रह जाएगा, क्या बताएं? मैं घबरा गया। क्यों? क्यों एक नहीं, इसमें मुझे छह दिखाई दिए कि यहां काम क्रोध मद लोभ ने माता रानी क्या मैं क्या करूं? क्या कि मेरे मनमानस में मोह निशा का छाया घोरी अंधेरा। एक तू ही है जो कृपा कर सकती है। कैसे कि यहाँ काम क्रोध मद लोभ ने आकर, अरे अंधेरा आता है चला जाता है वो छोटी बात है, लेकिन बड़ी बात क्या है? क्या कि यहाँ काम क्रोध मद लोभ ने आकर डाला माता डेरा। कृपा कर दे कि तू कर दे सुखद सवेर, यहाँ कर दे करना क्या है सवेरा? क्या आज विद्वानों की समाज है माँ? बिल्कुल। आज लड़ाई कलम की और साहित्य की है। लक्ष्मण का बात मिला है, हमारा चित्त वैसे ही चंचल था, लक्ष्मण बना दिया। तो माँ चतुराई से चतुराई से चल चल चित में चमत्कार कर दीजे। जय हो जय हो जय हो जय हो। चमत्कार क्या करना है? क्या कि कवि की कविता कलियों में रस अलंकार भर दीजे। सवाल उठेगा कि लाल चंद जी थोड़ा सा इसकी प्रभाव हेलो कवि की कविता कलियों में रस अलंकार भर दीजे। लेकिन अगर सवाल करे कोई कि लाल चंद जी क्या आप इस योग्य हैं, तो मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। क्यों? इन लोगों को जवाब देने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं, लेकिन माँ मैं आपसे तो जवाब दे सकता हूँ। अब मेरा आपसे जवाब क्या है? क्या बात? बहुत बढ़िया। कि मैं भला बुरा जैसा भी हूँ, पर लाल तो हूँ माँ तेरा। तो फिर कर दे सुखद सवेरा, यहाँ कर सुखद सवेरा।
निवेदन करना है अंतिम निवेदन के रूप में। भैया बाबूलाल जी का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। वाह, चलिए बोल देते हैं। ये प्रथम भेंट आदरणीय सम्मानीय हमारे नेता साहब भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय मलखान सिंह जी नाऊ जी की ओर से ये 500 पद्म मुद्राएं भेंट हुए हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप अभी जिला अध्यक्ष हैं, अगले वर्ष बालाजी सरकार की कृपा हो तो हम जिले इकाई से आपको प्रदेश इकाई में देखें। क्या बात है। मेरे छोटे भाई और कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष, बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष और अखिल भारतीय कीर्तन विचार मंच के संरक्षक श्री देवेंद्र तिवारी जी और पप्पू भैया, जिन्होंने कीर्तन में बुंदेलखंड को वहां तक पहुंचा दिया जहां तक लोग कीर्तन जानते हैं, वहां तक इस समिति को और बुंदेलखंड को लोग जानने लगे। मेरे ऐसे होनहार छोटे भाई श्री देवेंद्र तिवारी जी और पप्पू भैया की ओर से ये 501 पद्म मुद्राएं भेंट हुए हैं। भगवती इनके भंडारे में कभी कमी ना आए, इनके व्यापार में, इनके रोजगार में, इनके परिवार की खुशी में कभी कमी ना आने दे, ये मेरी प्रार्थना है। हेलो। और हमारे कीर्तन जगत के एक सशक्त हस्ताक्षर कलामकार के रूप में जहां तक कीर्तन है वहां तक इनका नाम जाना जाता है। सत्य बात। मेरे परम सुहृद माननीय सम्मानीय श्री केएल विनोदी जी, आपकी ओर से ये 501 पद्म मुद्राएं भेंट हुए हैं। मैं चाहता हूं कि इनके लिए एक बार ताली हो जाए। मैं मंच की ओर से, अपने मंडल की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं कि आप जैसे रचनाकार आज इस कीर्तन मंच में हम लोगों के लिए समय दे रहे हैं, मैं आभार ज्ञापित कर रहा हूं। वागेश्वर धाम शिष्य मंडली गंज टूरिया भैया श्री राम स्वरूप पटेल जी की ओर से भी 501 पद्म मुद्राएं भेंट हुए हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सम्मानित श्री मनु चौबे जी देवेंद्र नगर द्वारा भी 501 पद्म मुद्राएं, मुझे ये नहीं समझता इतना बड़ा पुरस्कार मुझे कभी मिला ही नहीं, तो इसका धन्यवाद कैसे दिया जाता है दादा बताइए। और ये 501 पद्म मुद्राएं गुप्त दान हुए हैं, हम आपको प्रकट में धन्यवाद देते हैं। संजू भैया सागर, आपके द्वारा भी 501 पद्म मुद्राएं भेंट हुए हैं, मैं सभी का हृदय से स्वागत कर रहा हूं। आदरणीय सम्मानित श्री अशोक रेखवार जी अक्की, हम समझते हैं कि 500 मुद्राएं बड़ा पुरस्कार है, बहुत बड़ा, हम कैसे संभालेंगे। अशोक रेखवार जी अक्की, आपकी ओर से ये 1000 पद्म मुद्राएं इस वंदन गीत में भेंट हुए हैं। अरे बाप रे, कैसे धन्यवाद करें भैया, केवल मेरी हृदय की भाषा आप समझ लीजिए, मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं बस। अभय तिवारी जी नौगांव वालों की ओर से ये 501 पद्म मुद्राएं, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, निवेदन है कि एक बार और गावें। बिल्कुल, हम तो इसको 100 बार गाते हैं क्योंकि सत्य है। और आदरणीय सम्मानित श्री हीरा सिंह जी चटकीली, गलत तो नहीं लिखा है, चाय चाय चटकीली चाय चटकीली चाय चटकीली चाय वाले हीरा सिंह जी चटकीली चाय वाले 101 पद्म मुद्राएं, संजू ढाबा वाले बागेश्वर धाम
501 पत्मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। मैं सभी दानदाताओं का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आदरणीय सम्मानीय श्री ज्ञानेश्वर पांडे जी, भैया पांडे जी की ओर से भी ये 501 पत्मुद्राएं भेंट हुए हैं, हृदय से अभिवादन करता हूं। अय्या पांडे जी, सारे सेठी हम जानते हैं, या भैया को हम जानते हैं। हरिओम। बिजावर हिंदू युवक दल, जी क्रांति दल की ओर से, क्रांति दल की ओर से बिजावर हिंदू युवा क्रांति दल की ओर से ये 201 पद्मुद्राएं भेंट करने वाले भैया श्री जितेंद्र तिवारी जी उर्फ जीतू भैया अपनी पूरी टीम के साथ 201 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं, आइए वंदनाथ को थोड़ा सा दो पंक्तियों में और सुनिए जी। ओ मैं भला बुरा जैसा भी हूँ, मैं लाल तो हूँ माँ तेरा, तो फिकर दे सुखद सवेरा, यहाँ कर दे सुखद सवेरा, कर रहा हूं माता रानी, बस इसमें समझ लेना मेरा संपूर्ण निवेदन है कि हे पतित पावनी, मैं नहीं जानता कि पुण्य क्या होता है, संयोग नहीं मिला कभी, ऐसा परिवेश नहीं मिल पाया, क्या बात है, तो मैं अपने आप को पापी ही मान लूं, तो हे पतित पावनी मुझ पापी के, वो नहीं कहना चाहता, हे पतित पावनी मुझ पापी के उर में प्यार भर दीजे, जय हो जय हो जय हो जय हो, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है, मैं चाहता हूं मां उर में प्यार भर दीजे, और एक कृपा और कर दीजिए, कौन, हे परम पूजनीय माता, क्या होता है, हे परम पूजनीय माता पत्थर में प्राण भर दीजे, ओ पत्थर में प्राण भर दीजे, पत्थर में प्राण भर दीजे, पत्थर में प्राण भर दीजे, क्या होता है, ये जानता हूं कि तेरी कृपा हर किसी पर नहीं होती, हर किसी पर नहीं होती, लेकिन होती तो है किसी ना किसी पर, ये निश्चित है कि हर पे नहीं होती, लेकिन किसी ना किसी पे तो होती है, लेकिन किस पे होती है, कैसे कितने लोग हैं वो, कैसे पत्थर में प्राण भर दीजे वो लाल, क्या होता है, ज्यादा नहीं है कि वो लाल चंद ही है जिन पर माँ परत हस्त है तेरा, ये वो लाल चंद ही है जिन पर माँ परत हस्त है तेरा, तो फिर कर दे सुखद सवेरा, कर दे सुखद,
सवेरा कर दे